हेलो एवरीवन, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया एंड योर मेंस इज ड्यू विद इन 1 or 2 months एंड यू आर अनेबल टू फाइंड कि कैसे प्रिपेयर करें मेंस के लिए इतनी जल्दी, तो मेरा फर्स्ट सजेशन होगा आपको नेवर पिक अप द डाइजेस्ट और अ बुक. बुक जो कि 500-300 पेजेस की होती है उसको उठा के पढ़ने लगोगे, आपका मेंस कभी क्लियर नहीं होने वाला है. मेंस के लिए मेरा दूसरा एडवाइस आपको रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और उन क्वेश्चंस को पढ़ो एक बार. बिफोर क्रैमिंग अप एनीथिंग रैंडमली आप पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. इसके थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आपके लॉज के सब्जेक्ट के अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4. पेपर 3 लैंग्वेज का होगा एंड पेपर 4 एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा. ओके, ये दो पेपर्स जो है ना, इन दो पेपर्स की प्रैक्टिस आपकी न्यूज़पेपर को, अगर आप हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ते हो तो हो जाएगी, मोर देन सफिशियंट है. या फिर किसी एक पर्टिकुलर वर्कबुक को आप उठा लो हिंदी और इंग्लिश के, उन वर्कबुक को कर जाओ तो आपके ये दो पेपर तो क्लियर हो जाएंगे, पेपर 3 एंड पेपर 4. लेकिन जो लॉज के पेपर है ना, लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिविल लॉ का एक होता है, क्रिमिनल, सिविल लॉ के दो होते हैं, क्रिमिनल लॉ का एक होता है जनरली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में. ठीक है, तो ऑफ टोटल 5 पेपर्स हो जाते हैं एंड सम स्टेट्स मेंस के लिए 4 पेपर होते हैं. तो लॉ के सब्जेक्ट्स को जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस में आपको लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड वो 4-5 क्वेश्चन करके चले जाने हैं. क्वेश्चन के आंसर्स लिख लो और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो. रादर देन क्रैमिंग अप द बुक यू हैव टू हैव आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस एंड उन्हीं को रिपीट करो आप. एट मैक्स किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एंड 10 क्वेश्चन सेकेंडरी होते हैं. 5+5 आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और 5 सेकेंडरी होंगे जो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, जैसे SRA है, स्मॉल सब्जेक्ट है, इसमें निश्चित है कि परपेचुअल इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. पहले ही फ्रेम कर लो कि आपके आंसर्स क्या होंगे एंड उसके बाद इनको रिपीटेड मोड में आपको रिवाइज करते रहना है. माय लास्ट एडवाइस टू यू कि प्रिपरेशन कभी भी ओवर नहीं होता है, प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूअसली चलते रहता है. आप जितनी बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, यू आर नॉट रेडी, तो आपको दिमाग में बैठा लेना यू विल बी नेवर बी रेडी टू अपियर इन एग्जामिनेशन. आप बस अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करो, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन एंड जो भी बातें मैंने अभी बताई हैं आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, इट विल बेनिफिट यू. थैंक्स एवरीवन, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू PLA लॉ चैनल.